अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टेक एंड टॉक। सो काफ़ी टाइम हो गया अपने ब्लॉग इंजन के ऊपर कोई तो एपिसोड नहीं बनाई। सो द लास्ट एपिसोड वाज एपिसोड नंबर 11 वेयर वी हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन सर्विस लेयर। सो उसके बाद कुछ काम मैंने इसके ऊपर किया जो ऑलरेडी रेपो के अंदर पुश हुआ है, जिसमें बेसिकली अपनी सर्विसेज को कंज्यूम करना था कंट्रोलर साइड पे इन प्रेजेंटेशन लेयर। तो उसको तो हम देखते ही हैं, लेकिन उससे पहले एक ओवरव्यू लेते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। आई वाज आल्सो नॉट इन टच विद दिस प्रोजेक्ट, सो आई थॉट इसको फर्दर थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, इसमें कुछ चेंजेस और करते हैं, कुछ नए फीचर्स ऐड करते हैं। सो फ्रॉम ओवरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसको ASP.NET Core 3.1 से 5.0 पे माइग्रेट कर दिया था। और तो चेक करने के लिए जब भी आप कोई एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो टारगेट फ्रेमवर्क ऑलरेडी नेट 5.0 पे अपडेटेड है एंड इट्स आल्सो यू नो टेस्टेड एंड इट्स वर्किंग फाइन। जो भी हम एक दफा चेक भी कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक ओवर भी ले लेते हैं कि अभी तक प्रोजेक्ट में क्या कुछ हो चुका है। ठीक है, तो अगर हम अपनी बिजनेस लेयर कोई देख लें और सर्विसेज के अंदर आते हैं, हमारे पास पोस्ट की एक सर्विस एडिट है जो कि पोस्ट को रीड कर रही है थ्रू द रिपॉजिटरी। सो एंड this is also an improvement, it's not required anymore because it's already deprecated, right? So we don't need this one from now. So I think in ASP.NET Core 3.1 ki kisi release mein already added ho chuki hai ye cheez aur deprecate ho chuki hai, which means ke ab hamara context jo hai wo already jo by default ASP.NET Core में switch हो जाता है। We don't need to explicitly call that method, right? So एक तो ये change हो गई और इसको repository, अच्छा ये get all क्या कर रही है हमारी post का method के repository में सारी post हम read कर रहे हैं और उसको अपने जो बिजनेस मॉडल है उसमें मैप करके रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, और अगर इसमें आ जाए डेटा लेयर में फॉर सेम पोस्ट सर्विस, सो डेटा लेयर में इस पोस्ट सर्विस के अंदर से ये पोस्ट टू पोस्ट कॉल हो रही है। ठीक है, जो कि बेसिकली हम इसका एक जेनेरिक मेथड कॉल कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, गेट इट विल बी या गेट इज रिक्वायर्ड, तो हम बेसिकली ये कॉल कर रहे हैं उसके अंदर जो हमें लिस्ट ऑफ एंटिटीज रिटर्न कर रहा है। ठीक है, और अपनी अगर हम प्रेजेंटेशन लेयर में देख लेते हैं तो हमने कंट्रोलर से कंट्रोलर के अंदर सॉरी यहाँ पे सारी की सारी पोस्ट फेच कर ली डेटाबेस और हम अपने व्यू को रिटर्न कर रहे हैं। और जब अगर आप इसके रिटर्न टाइम देखें तो ये हमारा बिजनेस डॉट मॉडल्स डॉट पोस्ट मॉडल का ऑब्जेक्ट, राइट? सो हमने अनी अपना अपनी पोको क्लास को रिटर्न नहीं किया, हमने अपना जो बिजनेस मॉडल है वो रिटर्न किया, राइट? विच इज़ अ बेस्ट प्रैक्टिस। और व्यू के ऊपर ये रेंडर हो जाता है। मीनवाइल मैंने एक प्रॉम्प्ट सर्विस भी ऐड की थी विच वॉज फॉर एनीथिंग एडमिन वांट टू डिस्प्ले ऑन पब्लिक साइट, राइट? अ काइंड ऑफ नोटिफिकेशन ऑन हेडर, तो उसमें कुछ भी प्रॉम्प्ट किया जा सकता है, लाइक देर इज एन अपडेट गोइंग ऑन
you might face downtime from this date or from this time to this time, or there are new features added, anything which you want to display on website in terms of prompt or banner, right? So ये उस पर्पस के लिए ऐड की थी. इसको डिटेल में एक्सप्लोर कर लेते हैं, लेकिन फिलहाल वी डोंट नीड दिस वन, राइट? सो व्हाट वी वांट इज, लेट मी मूव दिस रेफरेंस एज वेल. सो हमारे होम कंट्रोलर में जैसे ही हमारी एप्लीकेशन लॉन्च हो तो हमारे होम पेज के ऊपर जो पोस्ट है वो डिस्प्ले हो जाए, ठीक है? दिस इज व्हाट वी वांट. और अगर हम इसको ये करें ओके, दैट्स दिस थिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन. Order what returns is list and इसको ऑर्डर हम पहले कंफर्म कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको ऑर्डर बाय डिसेंडिंग करेंगे. सो होम पेज पे हम चाह रहे हैं कि हमारी सारी पोस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले हो जाए, ठीक है? जैसे किसी भी स्टैंडर्ड ब्लॉक साइट पे, इफ यू सी ब्लॉगर और वर्डप्रेस, वहाँ पे जो भी ब्लॉग बनाओ वहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में शो हो रही होती है, ठीक है? तो इसको एक दफ़ा रन कर लेते हैं अपने सोल्यूशन को, देखते हैं कैसे काम कर रहा है. ठीक है, स्टार्ट विदाउट डिबगिंग एंड यू कैन सी दैट इट्स रनिंग एंड दिस इज द डिफॉल्ट व्यू वी आर शोन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो ये कि हम देख रहे हैं कि कुछ टाइटल्स ही नज़र आ रहे हैं, कॉन्टेंट को नहीं नज़र आ रहा है, विच मीन्स के हमारे DBM पे कोई कॉन्टेंट है ही नहीं, ओनली पोस्ट के अगेंस्ट टाइटल बने हुए. तो इसको मेक श्योर करने के लिए लेट मी ओपन द डेटा बेस टेबल एंड या यू कैन सी दैट वी ओनली हैव द टाइटल्स, राइट? सो लेट्स रीनेम those title, let's say first post, this is our second post. In this way we will be third post, we will find the order as well, right? So content of post 1 and this is content of post 2 and this is content of post 3, right? So isko ab is page ko main refresh kar leta hu, right? So we are displayed those posts in ascending order, right? So ideally this should be in descending order, right? So I just have noted that down. We'll do that change after a couple of other changes, right? So now we have post title displayed and post content, and let's add some more content. Okay, so let me open my personal blog and let me copy paste some of the content from there, right? Let's say if I copy the content from one of my posts and
Let's add so that we can see how it looks like in real example, right? Okay, alright, so first pose, and this pose actually was about areas in ASP.NET Core. Alright, so we have post displayed on our homepage, right? So next thing I have noted down is the logo is not getting displayed, right? So I remember we did change in past in our application program file, or हमने जो है वो root जो folder है उसको customize किया था, right? So उसको भी देख लेते हैं. तो उसकी वजह से ये हो रहा है कि हमारी CSS जो स्टाइल साइट की CSS वो लोड नहीं हुई और हमारा लोगो लोड नहीं हुआ, ठीक है. तो अगर हम देखें अपनी program.css and here you can see that we have customized the path of our w web root folder, but so by default the w जो web root folder है वो www root के नाम से अपने as a solution template में added होता है, ठीक है. But we have customized the जो root सॉरी जो जो स्टैटिक कंटेंट्स हैं वो www root की जाए कंटेंट के फोल्डर से पिक हो, राइट. सो वी डोंट हैव एनी फोल्डर विद नेम ऑफ कंटेंट. मे बी देयर कुड बी हिडन. सो ओके वी हैव कंटेंट फोल्डर, इट हैज इमेजेस फोल्डर, बट आई थिंक दैट इज एम्प्टी एज़ वेल, राइट. सो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जस्ट इस चीज को टेस्ट करने के लिए कि ये काम करती है, ठीक है. ऑल्दो आइडियली क्योंकि हमारे सिनेरियो में नहीं चाहिए तो हम इसको रिमूव कर देते हैं, लेकिन इसको टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है. तो हम क्या करते हैं कि अपनी इमेज फोल्डर में से लोगो उठाते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ इमेजेस में पेस्ट करके जिसके साथ ये इंक्लूड हो गए सॉल्यूशन फोल्डर, और इसको रिबिल्ड करते हैं जगह, ठीक है, ताकि सॉल्यूशन में वो एडिट हो जाए और अपनी एप्लीकेशन को एक दफा बिल्ड होने के बाद रिस्टार्ट करते हैं, ठीक है. और हमने इसको रिफ्रेश किया. ओके नाउ यू कैन सी द लोगो इज देयर. सो नाउ वी ओनली हैव site.css, राइट, which means it works, but although we don't need that, हमें कस्टमाइज करने की फिलहाल जरूरत नहीं है, तो हम इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है. तो दिस इज हाउ वी कैन कस्टमाइज द www root फोल्डर, एंड वी कैन क्रिएट अ स्टैटिक कंटेंट फोल्डर विद आवर ओन नेम, जहाँ पे हम सारी जावास्क्रिप्ट, सीएसएस और रिसोर्सेस लाइक इमेजेस वगैरह रख सकते हैं, राइट. तो एंड आल्सो लेट्स रिमूव द कंटेंट फोल्डर एज वेल, राइट. सो वी वांट आवर कंटेंट टू पिक फ्रॉम www फोल्डर, राइट. So let's rebuild this website once and restart our application. Right. What we did wrong here? Okay, configure web host defaults. All right. And web host default.
Okay, do we need this one? Why do we need this? Okay, my bad. This line should be like this. Okay, because I'm a startup, so I'm a startup file phone. See, okay, so let's go control F5. अपनी एप्लीकेशन को चेक करते हैं, ठीक है? ओके, इट्स वर्किंग फाइन, लोगो इज देयर, सीएसएस है, देख लेते हैं, इज इट स्टिल देयर और नॉट? सो सीएसएस का एरर भी रिमूव हो गया, राइट? सो दिस इज हाउ वी कैन कस्टमाइज द कंटेंट फोल्डर इन आवर प्रोग्राम लेवल प्रोग्राम फाइल.